नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कैमल फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय कैमल फेस्टिवल में है और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े ऊंट को लेकर यहाँ पर चल रहा है। हमारी नज़र गई तो हमने इसको शूट किया काफ़ी देर। देखिए यहाँ पर क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन नाम है। अच्छा, कितने साल के हो? 12 साल के हो? लगते तो नहीं हो 12 साल के। 6 साल का है। देखिए इसके पेरेंट्स हैं, वो भी आ चुके हैं। ऊँट को लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। ऊँट पूरा जो है इसके कंट्रोल में है। अच्छा, दौड़ा भी सकता है? हाँ, दौड़ा सकते हो ऊँट को? दौड़ा के दिखाओ एक बार। रेस में दौड़ाओगे? अच्छा, रेस में दौड़ाने वाले ऊँट, इसीलिए इसको सजाया नहीं है। अच्छा, इसीलिए सजाया नहीं है। अभी रेस होने वाली है ना? हाँ। कितने टाइम बाद? इधर आइए, इधर आइए। 2 बजे। किसने चलाना सिखाया ऊँट आपको? ऊँट कौन सिखाया? उसने सिखाया। मम्मी ने? पापा नहीं? दादा नहीं? देखिए बहुत ही छोटा बच्चा और बहुत ही प्यारा बच्चा है, बोल नहीं रहा है संकोच से कैमरे के सामने, पर मैं काफ़ी देर से इसे नोटिस कर रहा था। ये ऊँट को पूरा कंट्रोल में है। काफ़ी लोग जो है ऊँट से डरते हैं पर पूरे कंट्रोल में इसकी, और 6 साल की इसकी उम्र है। काफ़ी समय से वहाँ से लेके आ रहा था ऊँट को, और अभी इसके जो अभिभावक है वो पास में आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदाम है। अच्छा, आपका क्या लगता है? ये मेरा बेटा है। आप ही का बेटा है? हाँ। कंट्रोल कर लेता है पूरा? पूरा कंट्रोल। ऊँट से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं है, इस ऊँट से खतरा नहीं है। इस ऊँट से नहीं है, दूसरे ऊँटों से? दूसरे से। अच्छा, कितने टाइम से ये ऊँट को ऐसे ही लेके खेलता है अपने साथ में? ये दिन भर खेलता ही रहता है रोज। ये डेली का है? रूटीन यही है? रूटीन यही करा। पढ़ाई करता है या फिर? पढ़ाई करता है। कौन सी क्लास में है ये? पहली में बैठा है अभी तक। अच्छा, अभी पहली में है। अच्छा, 6 साल का, इसीलिए देखिए 6 साल की उम्र है। और देखिए सब इसे यहाँ वहाँ लोग पूछ रहे हैं और इसकी तरफ देख भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा है। और इस पूरे मेले में मेरे को नहीं लगता कि इससे भी छोटा कोई होगा। नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं। छोटा नहीं है। रेस में भी दौड़ाने वाला ऊँट बोल रहे थे? ये ऊँट दौड़ेगा? ये नहीं दौड़ेगा, ये नहीं दौड़ेगा, ये ऊँट दौड़ने वाला है। अच्छा, देखिए काफ़ी प्यारा बच्चा और काफ़ी देर से यहाँ वहाँ टहल रहा है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है। इसी के साथ ये रहता है ऊँट के साथ, काफ़ी समय जो है इसका ज़्यादातर इसके साथ ही बीतता है। देखिए किस तरह से ऊँट को नीचे खींच रहा है तो नीचे आ रहा है, और पीछे खींच रहा है तो पीछे जा रहा है, आगे खींच रहा है तो आगे। चलिए एक बार चल के दिखाइए ऊँट के साथ। देखिए किस तरह से ऊँट इसके पीछे पीछे चल रहा है इसके इशारों पे। 6 साल की उम्र में बच्चे ऊँट के पास तो क्या छोटी बकरियां होती है उनके पास भी नहीं जाते, पर इसकी उम्र इतनी छोटी है 6 साल की, और इस उम्र में देखिए किस तरह से ऊँट को अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है, अपने इशारों पे दौड़ा रहा है ये छोटा सा बच्चा। इनके फैमिली का ही एक मेंबर है ये ऊँट, इनके परिवार का ही एक हिस्सा है। सुबह और शाम जो गुजरती है इस बच्चे की, वो इस ऊँट के साथ ही गुजरती है, इसीलिए इसको लगाव है इतना ऊँट से, और बाकी वाले ऊँटों से नहीं, बस ये ही इसका ऊँट है जो एक साथी है कह सकते हैं। अच्छा,
बस जिसे भी ऊंट निर्मो फिर मैं ऊंट बैठो नीचे बेहाली है गया ऊंट ना नीचे बेहर हो नीचे बेटा बेहाल नीचे जा जा नीचे साल बेटा सही बेहाल एक बार नीचे बेहर हो जा 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 बेटा इन्हें बेटा बस ऊंट बाद में देख ली तू जा बेटा इन्हें बेटा बच्चे के कहने से ऊंट जो है बैठ गया है। ऊंट की उम्र कितनी है? ऊंट की उम्र है 20 साल। 20 साल देखिए 6 साल के बच्चे के इशारों पे 20 साल का ऊंट जो है चल रहा है, बैठ रहा है, आगे पीछे हो रहा है। अच्छा लगता है? बढ़िया लगता है? ऊंट बढ़िया लगता है? बोल के बताओ। हाँ बढ़िया लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।